ट्रोलियम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेस ना वॉटर रिसोर्सिस होता क्या है रिसोर्स वो चीज है जो एक वैल्यू एड ऑन करना जानती है और वैल्यू किसमें एड ऑन होगी हम ह्यूम एड ऑन करेंगे टू डि समथिंग विच बेसिकली एड्स वैल्यू एंड हुआ ठीक है अब ये रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं मतलब मैनमेड भी हो सकते हैं सो so, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस की सो वी कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज इनएक्सॉस्टेबल और एक्सॉस्टेबल एक्सॉस्ट Exhaust का मतलब होता है टायर्ड तो so, अगर मैं कहूं कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं मतलब की वो चीज खत्म हो चुकी है देन दैट वी कॉल इट एज एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज और अगर जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले उसको हम क्या बोलेंगे इनएक्टेबल रिसोर्सेज आपके जो एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप्स के होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल का मतलब क्या है जिसका आप रिन्यू कर सकते हैं विद टाइम टू टाइम या अपने आप हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते मतलब एक बार खत्म तो मतलब आप उसको वापस से भी यूज नहीं कर सकते ठीक है सो मूविंग अहेड फ्यूल्स Fossil फॉसल्स का मतलब क्या होता है फॉसल्स का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और फ्यूल का मतलब क्या होता है जो कंबस्टेबल होता है यानी कि जो बर्न करके जिससे आपको एनर्जी मिले फ्यूल ऑन बर्निंग प्रोड्यूस एनर्जी जी अब देखते हैं द फ्यूल्स एग्जाम्पल कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कोल लेट्स रीड इंटायर स्टोरी कोल होता क्या है कहां यूज होते कैसा है कैसा दिखता है कोल आप सपने देखोगा कोयला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काफी हार्ड होता है स्टोन जैसा ब्लैक इन कलर इट इज़ यूज टू कुक फूड आप लोगों ने देखा होगा तंदूर में भी ये लगाया जाता है ताकि इसको फूड कुक करने में हेल्प करे रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता है बहुत सारा कोल डाला जाता है ताकि वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करे और थर्मल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है देन इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देता है और ये फ्यूल की तरह भी वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है स्टोरी ऑफ कोल बना कैसे ये कोल स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं

गिन ऑर्गेनिज्म बने किसके होते हैं ऑर्गेनिज्म बने होते हैं कार्बन से सो so, ये सारे ऑर्गेनिज्म एक के ऊपर डेड होते चले गए जब एक के ऊपर एक डेड होते चले गए तो उससे क्या हुआ एक के ऊपर आए सो so, कार्बन का कंटेंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया और ऊपर से प्रेशर आता जा रहा था प्रेशर क्यों आएगा क्योंकि जब एक के ऊपर एक चीज़ आएगी सो ये वाली चीज़ तो दब जाएगी प्लस टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था सो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर प्लस द कार्बन कंटेंट एंड द प्रेशर ये सारी चीज़ें

और क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन ठीक है जी सो लेट्स रीड द इंटायर स्टोरी इट सेज अबाउट थ्री हंड्रेड मिलियन ईयर्स अको इतने साल पहले की बात हम कर रहे हैं द अर्थ हैड टेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया उसके बाद बहुत सारे पेड़ पौधे थे ठीक है ड्यू टू दीज नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग है तो प्रोसेस चलते ही रहते हैं ये सारे फॉरेस्ट क्या हो गए बनिड हो गए सॉइल के अंदर एक के ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती चली गई और यह आपका कंप्रेस होता चला गया द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज ए सैंग डीपर एंड डीपर जितना वो नीचे चलते चले गए उतना ही टेम्परेचर

प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम कोल क्या कोल सिर्फ एक ही चीज है या और भी बहुत सारी चीजें सो फर्स्ट इज कोक कोक क्या होता है कोक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है कार्बन का ये कहाँ हम यूज करते हैं हम यूज करते हैं स्टील बनाने के लिए या मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जो प्रोसेस होता है कोल का कोक से आई रिपीट कोल से कोक लाने तक का जो रास्ता होता है इस प्रोसेस में आपकी कोल गैस भी रिलीज होती है और जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे ठीक है आई रिपीट कोल से कोक बनने का जो रास्ता है उसमें कोल गैस भी रिलीज होगी ये कोल गैस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है अब आता है कोल टार कोल टार क्या है लिक्विड होता है ब्लैक कलर का काफ़ी थिक होता है नेचर में और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है और ये पहले यूज़ करा जाता था रोड्स बनाने के वक्त पर अब हम इसको यूज़ नहीं करते अब हम बिट्टियों में यूज़ करते हैं ठीक है सो ये मेनी प्रोडक्ट साइड यूजेज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर ये बहुत सारी और भी चीजें देता है जिस जो स्टार्टिंग में हेल्प करी जाती है ड्रग्स बनाने के लिए एक्सप्लोसिव निफिलीन बॉल परफ्यूम सिंथेटिक डाइज पेंट्स प्लास्टिक रूफिंग मटेरियल फोटोग्राफिक मटेरियल्स एक्सेट्रा ठीक है कमिंग ऑन टू कोल गैस जैसे बताया गया इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक ये वाली चीज आपको समझाई गई नेक्स्ट इट इज यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज एज फ्यूल वी हैव और ये यूज किस लिए बेसिकली किया जाता है हीट सोर्स के लिए और इसी रीजन के वजह से लाइटनिंग के लिए यूज किया गया था आपके लंडन में और फिर बाद में न्यूयॉर्क में यूज हुआ था ओके सो दीज आर योर मेन प्रोडक्ट्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम कोल ओके सो इन दिस वीडियो वी गॉट बेसिक आइडिया अबाउट वॉट इज कोल देन वॉट आर द प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्राम कोल और कैसे ही कोल हमारा मैन्युफैक्चर हुआ हम लोगों को ये भी पता चला कि रिसोर्सेस क्या होते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं सो विध रिस्पेक्ट टू दिस इफ यू हैव एनी डाउट यू फ्री टू आस मी इन द चार्ट सेक्शन और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है और वो हमें कैसे ऑप्टेन होता है थैंक यू